नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में आज एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कानपुर में एक चौंका देने वाला हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है। 4 महीने पहले कानपुर के कारोबारी की पत्नी जिम जाती है और जिम से फिर वो लौट के नहीं आती। ये करीब 4 महीने घटना पहले की है, यानी जून महीने की घटना है। 4 महीने से पुलिस महिला की तलाश कर रही थी। पुलिस को पहले लगा कि महिला जिस जिम में जाती है वहां के जिम ट्रेनर के साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया, क्योंकि उस दिन से ही जिम ट्रेनर भी लापता था। तो लगा, पुलिस को लगा कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और दोनों एक दूसरे के साथ कहीं भाग गए। लेकिन जो महिला का पति था वो लगातार पुलिस से इस चीज की जांच पड़ताल करने को कह रहा था, क्योंकि उसको शक था कि कहीं कुछ उसकी पत्नी के साथ गलत जरूर हुआ है। यह जब पुलिस जांच पड़ताल करती रही, शनिवार को अचानक ही जो जिम ट्रेनर था वो पुलिस के हाथे लग चढ़ गया। पुलिस ने जब जिम ट्रेनर से पूछताछ की तो शुरुआत में जिम ट्रेनर ने पुलिस को घुमाने की बहुत कोशिश की। कभी बताया कि उसने उसकी जो महिला है उसको गंगा में फेंक दिया, कभी बताया कहीं डाल दिया। पुलिस उसकी बताई जगहों पर लगातार जांच पड़ताल कर छापेमारी कर लाश को बरामद करने की कोशिश करती रही, लेकिन महिला का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद जब पुलिस ने जिम ट्रेनर से सख्ती की तो आखिरकार जिम ट्रेनर ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने 24 जून यानी जिस दिन महिला लापता हुई थी उसी दिन उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को डीएम कंपाउंड यानी कानपुर डीएम के आवास जो होता है वहाँ आवास के पास ही डीएम कंपाउंड के बाहर उस लाश को दफना दिया है। अब उसने ऐसा क्यों किया तो उसको आइडिया आया उसे दृश्यम, अजय देवगन की फिल्म दृश्यम आपने देखी होगी अगर, तो उस फिल्म को इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले जिम ट्रेनर ने करीब करीब 10 से 15 बार देखा और उसके बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो जगह चुनी वो था डीएम कंपाउंड, डीएम आवास का कंपाउंड, ताकि वहाँ पर किसी को कभी कोई शक नहीं होगा और जल्दी किसी को वहाँ पर जाकर लाश बरामद करने या ये कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पर कोई लाश को दफना भी सकता है। क्या है पूरा घटनाक्रम, कौन थी महिला, कैसे क्या हुआ, ये सब आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताते हैं ताकि आपको समझ में आए पूरा घटनाक्रम कैसे। 4 महीने पहले ये कहानी शुरू होती है। तस्वीर में जो आपको महिला दिख रही इनका नाम है एकता गुप्ता। कानपुर के सिविल लाइन के गोपाल विहार बिन्नी विला सोसाइटी में कारोबारी राहुल गुप्ता है और उनके अपने परिवार के साथ राहुल गुप्ता रहते थे। ये जो फोटो आप महिला की देख रहे हैं इनका नाम है एकता गुप्ता। ये राहुल गुप्ता की 32 साल की पत्नी है। इनकी मौत, इनके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, करीब 12 से 13 साल की उम्र के बच्चे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक हट्टे कट्टे आदमी की, वो है जिम ट्रेनर विमल टोनी। बताते हैं कि राहुल गुप्ता और एकता गुप्ता के बीच सब कुछ ठीक था, दोनों के दो बच्चे थे और बढ़िया अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। और जो एकता गुप्ता थी वो अपने आप को फिट रखने के लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम के अंदर मौजूद जो जिम है वहां पर जिम करने जाती थी। इस जिम में कानपुर के रायपुरवा के शक्कर मिल खलावा मकान नंबर 8586 का रहने वाला विमल सोनी जो था वो जिम ट्रेनर था। आपने एक आदमी की फोटो अभी इसी वीडियो में देखी होगी जो हट्टा कट्टर से दिख रहा है, वो है जिम ट्रेनर विमल सोनी। इसी जिम में, जिस जिम में एकता एक्सरसाइज करने जाती थी, अपने आप को फिट रखने जाती थी, उसी जिम में ये जिम ट्रेनर हुआ करता था विमल सोनी। राहुल गुप्ता का बयान के मुताबिक 24 जून को रोज की ही तरह जो एकता गुप्ता उनकी पत्नी थी ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम करने गई, लेकिन इसके बाद वो लौटकर वापस नहीं है। पति राहुल गुप्ता ने पुलिस को इसी बात की सूचना दी थी 4 महीने पहले, कहानी बता रहे। इसके बाद पुलिस ने जिम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें एकता गुप्ता बैग लेकर जिम से बाहर निकलते हुए दिखाई देती हैं। आपने भी सीसीटीवी वीडियो देखा होगा, हमने आपको आपके स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है।
पुलिस ने जांच की तो शुरुआत में जांच में पुलिस को लगा कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस को लगा कि जिम ट्रेलर के साथ एकता गुप्ता का अफेयर हो गया और दोनों फिर कहीं फरार हो गए, क्योंकि जिस दिन से एकता गुप्ता गायब हुई थी उसी दिन से जिम ट्रेनर जो था विमल सोनी वो भी गायब था। बहरहाल पति राहुल गुप्ता की शिकायत पर तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल जारी रखी। जिम ट्रेनर विमल के पास एक कार थी जो शोएब के नाम से रजिस्टर थी। पुलिस ने जिम ट्रेनर और महिला के एकता गुप्ता के लापता होने के बाद इस कार को 25 जून को बरामद कर लिया था। कार में रस्सी, टूटा हुआ क्लेचर, तौलिया, सिम ट्रे और अन्य कुछ सामान मिला था। इससे पुलिस ने ये उनका जो मानना ये था कि महिला और जो एकता गुप्ता है और जिम ट्रेनर विमल के बीच अफेयर था और दोनों कहीं चले गए, इस बात को जब कार में ये सब सामान मिला तो पुलिस को थोड़ा सा ये और चीज़ पुख्ता हो गया कि हाँ दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और दोनों कहीं चले गए और दोनों ने नया सिम कार्ड खरीद लिया, क्योंकि उस कार के अंदर सिम ट्रे टूटे हुए सिम कार्ड जो है वो टूटे हुए पड़े थे। तो उनको लगा कि दोनों ने नया सिम लिया है और दोनों कहीं चले गए। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में एक तरीके से कहते डाल दिया। लेकिन शनिवार को अचानक ही कानपुर में उस वक्त गहमा गहमी बढ़ गई जब जिम ट्रेनर विमल सोनी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 4 महीने से जो फाइल एकता गुप्ता के लापता होने की फाइल बंद थी वो अचानक ही फिर से सुर्खियों में आ गई और एकता गुप्ता का नाम हर जगह उन्नाव में चर्चा में आ गया, कानपुर में चर्चा में आ गया। पुलिस ने जिम ट्रेनर विमल से पूछा कि एकता गुप्ता कहाँ है। पहले विमल सोनी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, अलग अलग जगहों के नाम बताए कि यहाँ पे कहीं है, वहाँ पे है। पुलिस उसकी निशानदेही पर जहाँ जहाँ वो बताता था वहाँ एक टीम भेजती थी जांच पड़ताल करती, लेकिन एकता गुप्ता का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से जब विमल सोनी से पूछताछ की तो विमल सोनी ने चौंका देने वाला खुलासा किया। विमल ने पुलिस को बताया कि 24 जून को हुई, जिस दिन एकता गुप्ता लापता हुई थी उसी दिन उसने उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी थी। इसके बाद वो उसने उसकी लाश को डीएम कंपाउंड के बाहर दफनाया और फिर वो वहां से फरार हो। इस दौरान बताते हैं कि विमल ने इतना मतलब वो था कि उसने पिछले चार महीनों से विमल ने मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं किया। वो कहीं पंजाब में कभी कहीं और जगह पर रहता था और होटलों में नौकरी करता था, सिर्फ खाना खाना सोना उसका यही काम था। इस दौरान ना ही वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करता था, ना सोशल मीडिया पे किसी तरह से कोई भी डिजिटल काम नहीं कर रहा था जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और इसी वजह से पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने जब विमल ने पुलिस को बताया कि डीएम कंपाउंड में उसने एकता गुप्ता की लाश को दफनाया है तो पुलिस ने रात में ही वहां खुदाई की और आखिरकार एकता गुप्ता की लाश पुलिस को बरामद हुई 26 के बाद। इसके बाद पुलिस ने राहुल गुप्ता को बुलाया। राहुल गुप्ता ने जो टी शर्ट पहने हुई थी एकता गुप्ता उसके स्टिकर से पहचान की और कहा हाँ ये मेरी पत्नी की ही लाश है। जिम ट्रेनर विमल ने पुलिस को बताया, आखिर जब पुलिस ने पूछा कि हत्या की वजह क्या है तो विमल ने बताया कि एकता और मेरे बीच नज़दीकी थी, जिम ट्रेनिंग के दौरान दोनों के बीच नज़दीकी और बढ़ती चली गई और इसी बीच यानी एक तरीके से कहें प्रेम प्रसंग हो गया। आगे बताता है विमल सोनी जिम ट्रेनर कि इसी बीच मेरी शादी कहीं और तय हो गई, तिलक हो गया था और इससे एकता नाराज थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं शादी करूं, इसी वजह से एकता को रास्ते हटाने के लिए उसने प्लानिंग बनाना शुरू की। जिम ट्रेनर विमल सोनी ने बताया कि मैंने 15 से 18 बार अजय देवगन की दृश्यम मूवी देखी, मैं अक्सर जिम में ही मूवी देखता था। 24 जून को एकता जिम से निकली तो मैंने कार से उसका पीछा किया, रास्ते में उसे कार में बिठाया। एकता ने मुझसे पूछा कि शादी क्यों कर रहे हो। इसके बाद हमारी और एकता की यानी उसकी मतलब जिम ट्रेनर विमल और एकता के बीच बताते हैं कि बहसा बहसी शुरू हो गई और गुस्से में विमल ने उसके गले में पंच मार दिया जिससे एकता बेहोश हो गई। कुछ देर बाद विमल ने चेक किया तो बताया कि एकता
मर चुकी थी। इसके बाद उसकी लाश को डीएम आवास के कंपाउंड के बाहर दफना दिया ताकि किसी को शक न हो कि यहाँ पर भी किसी को दफनाया जा सकता। अब अजय देवगन की दृश्यम फिल्म जिसने भी देखी होगी तो उसको इस बात का उसने ये सीन जरूर देखा होगा जिसमें अजय देवगन लड़के की लाश को पुलिस स्टेशन के अंदर दफना देता है। क्यों? क्योंकि आदमी सब जगह लाश को ढूंढेगा लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर तो लाश को नहीं खोजेगा। वही चीज इस जो जिम ट्रेनर है उसने अनिवार्य कि एक ऐसे वीआईपी एरिया को वीआईपी जगह को खोजो जहां कोई सोच ही नहीं सकता कि यहां पर भी लाश को कोई किसी की लाश को हत्या करने के बाद दफना सकता है। लिहाजा विमल सोनी ने डीएम कंपाउंड यानी डीएम आवास के बाहर के इलाके को चुना कि यहां पर अगर दफना देंगे तो कभी कोई सोच ही नहीं पाएगा कि यहां पर भी हो सकता है। वीआईपी रोड स्थित जिलाधिकारी आवास से सटे ऑफिसर्स क्लब, उसके आसपास बने सरकारी आवासों में न्यायिक और प्रशासनिक अफसर के परिवार रहते हैं। वहीं बड़े बड़े कारोबारियों के फ्लैट भी यहाँ पे। इतने सुरक्षित ठिकाने पर कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता किसी की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाया जाएगा। इसीलिए विमल ने इस जगह को चुना और यहाँ पर एकता की लाश को दफना दिया और फिर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। अब एकता की लाश बरामद हो चुकी है, हत्यारा विमल सोनी भी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं जो पति हैं राहुल गुप्ता, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनको अभी भी कई चीज़ों के सवाल उठा रहे हैं, हम उन सवालों पर भी बात अभी करेंगे। सबसे पहले हम आपको पुलिस की बाइट सुना देते हैं कि पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे, वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ बात विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बात किए, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई। और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको। अब जो सवाल उठ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एकता लापता हुई थी तो उसके पति राहुल गुप्ता ने इस बात की भी शिकायत दर्ज कराई थी कि जो उसकी पत्नी है, जिस दिन वो जिम गई 24 तारीख को, उसने बैंक लॉकर से गहने और घर से कई लाखों के गहने अपने बैग में रखे थे और उन गहनों को लेकर वो गायब थी। तो सबसे बड़ी बात है वो गहने आखिर है कहाँ। पुलिस से इस बारे में पूछताछ की गई, जब पत्रकारों ने सवाल किए कि गहने कहाँ गए, जिसकी शिकायत राहुल गुप्ता ने दर्ज कराई थी कि जिस दिन एकता गई थी उस दिन वो गहने लेके गई, तो पुलिस ने कहा अभी इसकी जांच चल रही है और पुलिस विमल से इस बारे में भी पूछताछ करेगी। खैर, दूसरा सबसे अहम सवाल कि आखिर इतने वीआईपी एरिया में एकता गुप्ता की लाश को कैसे दफनाया, एकता गुप्ता की लाश को कैसे विमल सोनी इतने वीआईपी एरिया में जहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के घर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर हैं, जहां चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वहां पर एक महिला की लाश लेकर जाता है, 5 से 6 फीट का गहरा गड्ढा खोदता है और उसके बाद उनकी उस महिला की लाश को दफना देता है और वहां से फिर बड़ी सफाई से निकल जाता है बिना किसी की मदद के। तो ये कैसे संभव है? ऑफिसर्स कॉलोनी जानते हैं आप कितना वीआईपी एरिया कानपुर का है, तो कैसे ही हुआ? और डीएम कंपाउंड के बाहर जस्ट दीवार सटी हुई आप देख सकते हैं कि वहां पर कैसे वो, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट में गड्ढा खुद जाएगा, इतनी देर तक गड्ढा खोदा होगा और 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा, वहां लाश दफनाया। इस दौरान किसी की नजर विमल सोनी पर पड़ी कैसे नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये। इस सवाल पर जब पत्रकारों ने इस बारे में पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हम इसकी जांच कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जिला अधिकारी चूंकि ये जिम ट्रेनर था, ग्रीन पार्क स्टेडियम में तो कई सारे वीआईपी जो होते हैं ना वो, उनको भी ये ड्रिंक ट्रेनिंग देता था। जिलाधिकारी व ऑफिसर्स क्लब के कुछ लोगों को भी विमल ने जिम ट्रेनिंग दी थी,
और डीएम कार्यालय तैनात एक कर्मी से करीबी होने के बाद भी सामने आ रही है, ऐसी कहा जा रहा है, मतलब पक्के तौर पर नहीं लेकिन हाँ ये शायद कोई डीएम कार्यालय में कोई एक ऐसा है जिसके साथ इसकी करीबी काफी है। अब पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही, लेकिन ये चीज सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डीएम आवास के पास कैसे कोई एक महिला की लाश को दफना सकता है और बिना किसी की नजर में आए, जबकि इतना खास वीआईपी एरिया है। और वही गहने कहाँ गए, ये भी अभी जांच पड़ताल का विषय। बहरहाल जो हत्या की वजह सामने आई है वो तो यही है कि जो विमल सोनी ने बताया कि उसका और एकता का अफेयर चल रहा था, एकता नहीं चाहती थी कि वो किसी और से शादी करे और इसी बात के लिए उनके बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें गुस्से में आकर उसने एकता की हत्या कर दी। इस मामले में जो एकता के पति हैं उनका क्या कहना है हम आपको वो भी सुना देते हैं, उन्होंने क्या कहा। वो सदमे में हैं इसमें और बड़े भावुक थे, लेकिन उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये कोई अफसोस है कि 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई वो बॉडी? अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या लगता है, क्या वजह नहीं पाई से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी बस जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी बस थे जब उनको पता चला पकड़ में आया तो चीजें खुल के आपके सामने। आम नागरिक रूप में मानते हैं कि डीएम कंपाउंड बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ही। क्या लगता है, क्या वजह, क्या ये ट्रेनर डीएम के पसंद लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो भी भैया हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी, एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीजें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीजन है। क्या सुना आपने, क्या कहा उन्होंने? अब इस मामले में बहरहाल खुलासा हो चुका है, 4 महीने से लापता था, क्या सोचा गया और क्या निकला। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी बार ज्यादा आधुनिकता भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, आपके रिश्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पति अपने काम काज में बिजी थे और इधर जिम के अंदर जो हुआ उसने उनके पूरे परिवार को, पूरी गृहस्थी को बर्बाद करके रख दिया। और अक्सर इस तरह के मामलों में ये जो कहते हैं ना प्यार प्रसंग, अवैध रिश्ते, शादी के बाद जो संबंध होते हैं वो अक्सर इसी तरह के नतीजों पर आकर खत्म होते दिखते हैं, जहां पर किसी न किसी की हत्या होती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मौत या जेल, दो पे ही चीजें खत्म होती दिखती है। बहरहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार।